नमस्कार, मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं DSD न्यूज़। बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट का जो नारा था चिराग पासवान का, वो आज उनको फर्स्ट ही मिला है। तो ये कह सकते हैं कि बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का जो नारा था उससे फर्स्ट उनको अंक मिला है, यानी जीत का जो अंक है वो फर्स्ट मिला है। तो उन्होंने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर ये भी कहा कि NDA को हम बधाई देते हैं, और जिस तरह से मैंने वोट काटा, NDA का नीतीश कुमार का वोट काटा और जिस तरह से सफाया किया है, तो उनको मैंडेट कम मिला है, लेकिन तय NDA को करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और ये भी कहा उन्होंने साफ तौर से कि मैं कुछ भी हो जाएगा, मैं तेजस्वी यादव के साथ नहीं जाऊंगा। ये सीधे तौर पे वो तेजस्वी यादव के भी कुछ पत्रकारों ने जब सवाल उनसे किया तो ये कहे कि मैं तेजस्वी यादव के साथ कभी महागठबंधन में नहीं जा सकता हूँ। और नीतीश कुमार को वो साफ तौर से ये भी कहा कि मेरा व्यक्तिगत संबंध अच्छा है, लेकिन राजनीतिक संबंध जिस तरह से है उसी तरह से रहेगा, क्योंकि वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे सवाल करना मेरा फर्ज है और मैं हमेशा करूंगा। तो क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप भी उनकी बातों को सुनिए। हार की जानकारी लेते हैं, अब हार की परिभाषा पहले बताइए, हार की परिभाषा क्या है? मैं यकीनन मैं चाहता था कि हम लोग ज्यादा लड़े, मैं जीते, ये जरूर मेरा लक्ष्य था कि हम लोग ज्यादा सीटें हम लोग जीते। पर बार बार मैंने इस बात को कहा था कि मेरा लक्ष्य ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में मजबूत हो। भाजपा लोजपा की मैं सरकार में जरूर बनाना चाहता था, पर जब मैं चुनाव में अकेले लड़ने का भी हम लोगों ने फैसला लिया था, तब से लेकर अभी तक बता दीजिए कि बिहार में लोजपा ने हम लोगों ने खोया क्या है। मत प्रतिशत अगर आप देखें, पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा है, पार्टी का जनाधार बढ़ा है। आज तक जो हम लोगों को कहा जाता था कि भैया 3-4% की पार्टी है, लगभग दुगने मत प्रतिशत पर हम लोग गए हैं। जो हम लोगों को कहा जाता था कि भैया इनके पास योद्धा कहाँ है, ये लोग चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, ये लोग करेंगे क्या, आज लगभग 150 ऐसी विधानसभा और कोई ऐसी बिहार का ऐसा जिला नहीं है जहाँ पर पार्टी का मजबूत संगठन हम लोग का तैयार हुआ है। मैं आपको कह रहा हूँ कि कल से जिस तरीके से पार्टी में एक उत्साह है, पार्टी में एक नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ जिस तरीके से पार्टी सामने आई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 2025 में हम लोग की राह यहाँ से और बहुत ज्यादा आसान है। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से प्रदर्शन रहा है इनका और जिस तरीके से इन्होंने बाउंस बैक किया है पिछले 2015 के चुनाव में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सीमित हो गई थी, उसके बाद जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ इतना आक्रोश होने के बावजूद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा, क्योंकि दोनों गठबंधन साथ ही में थे और उसमें हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड को उसी नेतृत्व का नुकसान हुआ, बट वहीं पर प्रधानमंत्री जी की वजह से जिस तरीके से भाजपा का प्रदर्शन अच्छा रहा, बधाई के हकदार सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी है, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, और डेफिनेटली यस, विपक्ष ने भी एक कड़ी चुनौती दी है, विपक्ष ने भी कड़ी टक्कर दी है, उसके लिए मैं विपक्ष के भी जितने तमाम नेता हैं उनको भी मैं बधाई देता हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि जिस तरीके से मजबूती से, क्योंकि कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जो कि एक तरफा भी माहौल को दिखा रहे थे, बट जिस तरीके से कांटे की टक्कर दोनों तरफ से रही है, तो इसके लिए और अंतोगत्वा देखिए, बधाई का अगर कोई हकदार है बिहार की जनता है, जो मैं बार बार मैं कहता हूँ, एक डिसीजन उन्होंने, निर्णय उन्होंने लिया और बिहार की जनता ने कम से कम अपना लक्ष्य क्लियर रखा, प्रधानमंत्री जी की बातों को उन्होंने गंभीरता से सुना, प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास बिहार की जनता ने पूरी तरीके से किया, बिहार की जनता इसके लिए बधाई। स्थितियों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, इसीलिए कल से ईमानदारी से मैं बोलूं, जिस उत्साह के साथ पार्टी है या जिस उत्साह के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल है, क्योंकि हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता कि किन परिस्थितियों में हम लोगों ने चुनाव लड़ा। 8 तारीख की वो रात एक ऐसी रात भी थी जब हम लोग संभवतः परिस्थितियों के सामने घुटने भी टेक सकते थे, हम लोग अपने हाथ खड़े कर सकते थे, हम लोग कह सकते थे कि भैया पापा का निधन हुआ है, नहीं तैयार है पार्टी अभी की तारीख में, नहीं तैयार है हमारे प्रत्याशी, हम लोग शायद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पर मुझे खुशी है कि हम लोगों ने घुटने नहीं टेके, हम लोगों ने परिस्थितियों के सामने हम लोग झुके नहीं, और बल्कि उन्हीं परिस्थितियों को अपने अनुकूल करके मजबूती से हम लोगों ने चुनाव लड़ने का हम लोगों ने काम किया, पार्टी की एक मजबूत नींव को हम लोगों ने तैयार करने का काम किया। मैं एक बार फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी और विशेषतः हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्हीं की कारण से आज पुनः जिस तरीके से NDA की सरकार बिहार में बनना संभव हुई है, और कल जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर बिहार का उन्होंने नारा दिया, और जिस तरीके से बिहार को लेकर वो एक नई सोच के साथ आए कि आने वाला जो दशक है वो बिहार में विकास की एक नई धारा खड़ी करेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि जब प्रधानमंत्री जी खुद
प्रदेश का नेतृत्व करेंगे और जब प्रधानमंत्री जी खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे कि उनके संरक्षण में बिहार विकास की राह पर आगे बढ़े, तो यकीनन जो एक लंबे समय से हम लोग बिहार में विकास की बात करते हैं वो संभव हो पाएगा। मैं बिहार के तमाम मतदाताओं का, पूरे बिहार की जनता का मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया, अकेले पार्टी चुनाव में उतरी उसके बावजूद जिस तरीके से लगभग 25 लाख लोगों का समर्थन लोक जनशक्ति पार्टी को मिला, बाकी भी अगर आप दलों को देखें जो चार चार पाँच पाँच झंडे के साथ भी जो चुनाव में उतर रहे थे, कोई 55 लाख, कोई 60 लाख के आसपास उनको समर्थन मिला है। तो ऐसा नहीं कि रेस में कहीं लोक जनशक्ति पार्टी एकदम इररेलीवेंट है या एकदम छूट गई है। 15-16% जिस तरीके से गठबंधन के साथियों को मिला, चार चार गठबंधन होने के बावजूद, और वहीं लोजपा को जिस तरीके से 6% का मत प्रतिशत हम लोग को मिला, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपना समर्थन दिया, उसमें अपना विश्वास रखा, इस विश्वास को इसी तरीके से आने वाले समय में बरकरार रखा जाएगा। ये वादा मैं बिहार की जनता से करता हूँ, ये वादा मैंने किया था कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को पहले पायदान पर लेकर जाना है। पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत के बाद यकीनन प्रधानमंत्री जी का भी अपना योगदान रहेगा, पर लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में यहाँ से अपने उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। और अंतोगत्वा मैं फिर से आप सबके माध्यम से जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी का को बधाई देता हूँ, वहीं बिहार की जनता के लिए इस डिसाइसिव मैंडेट के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को जो मजबूत मैंडेट बिहार की जनता ने दिया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं। मुझे प्यार और सम्मान देने के लिए, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं। ये प्रत्याशियों का प्रदर्शन अच्छा रहा, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर दूसरे नंबर पर हम लोग के प्रत्याशी आए, महज 4,000, 5,000, 6,000 से कुछ सीटें हैं जो पार्टी ने लूज की। अधिकांश सीटों पर तीसरे नंबर पर जहां पर भी पार्टी रही, उसमें भी अगर आप पार्टी के प्रत्याशियों का मत प्रतिशत देखें, जो संख्या उन लोगों को मिली है, तो ये अपने में एक नया बड़ा जनाधार पार्टी ने खड़ा किया है और ये कहीं ना कहीं पार्टी की नींव को यहाँ से और ज़्यादा मजबूत करता है। 2025 का जो हम लोग का लक्ष्य है उसके हम लोग और करीब पहुँचे हैं। बहरहाल इस बार का भी जो हम लोग का लक्ष्य था, शुरू से इस बात को मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि भैया भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा मजबूत हो। यकीनन मैं इस बात को भी उतनी विनम्रता से मैं कबूल करता हूं कि मैं ये भी चाहता था कि लोक जनशक्ति पार्टी का भी प्रदर्शन बनिस्बत बेहतर हो, जिसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। अकेले जिन परिस्थितियों में मैं चुनाव में उतरा था, जितना मुझसे बन पाया उतना करने की मैंने कोशिश की। आप सब जान रहे कि वो वही दौर था जब पिताजी का भी निधन हुआ था। 10 दिन का एक समय ऐसा मुझे मिला था जब मुझे अपने योद्धाओं को रणभूमि में उतारना था, क्योंकि एक लंबे समय तक हम लोग को इस बात की जानकारी भी नहीं थी कि जनता दल यूनाइटेड किन किन सीटों पर चुनाव लड़ी है। और ये बात हम लोगों ने स्पष्ट की थी कि हम लोग के अधिकांश प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड के सामने ही होंगे। एक लंबा समय लगा क्योंकि कुछ नए गठबंधन एनडीए में जाकर जुड़े, वीआईपी वगैरह जाकर जुड़े, और उसके बाद जिस तरीके से सीटों की जानकारी सामने आई, तो मुझे लगता है 6 या 7 तारीख के आसपास हम लोग को स्पष्ट रूप से पता चला कि किन किन सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ रही है और किन किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है। और 8 तारीख का दिन था जब पापा का उनका निधन हुआ, और वही दिन था जब मेरे पास पहली बार ये जानकारी आई भी थी कि किन सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है, किन सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी को अपने प्रत्याशी उतारने हैं। 8 तारीख सुबह पहली बार मुझे इस बात की जानकारी मिली और 8 तारीख शाम को 6:05 पर पापा का निधन हुआ। और उसी रात 12:30, 1 बजे के आसपास मैं पहले चरण के प्रत्याशियों की सूची, निधन हुआ तब से लेकर अभी तक मैं आपके सामने ही हूँ। कब आपने देखा कि मैंने इस चीज़ को लेकर कोई चर्चा की हो या कुछ सोचा हो? तो अभी जो सवाल आप पूछ रहे हैं बहुत हाइपोथेटिकल है। अगर से मंत्री बनना, सत्ता में रहना ही हम लोग का लक्ष्य होता, तो सबसे पहले तो मैं इस गठबंधन से अलग ही नहीं होता ना। क्यों होता मैं गठबंधन से अलग, आप ही मुझे बताइए। अगर से सत्ता में ही रहना, मंत्री बने रहना, आसान राह चुनना, आसानी से लड़कर जीतना, यही मेरा लक्ष्य होता तो मैं अलग ही क्यों होता? संघर्ष का रास्ता जब मैंने खुद चुना है अपनी पार्टी को मजबूती देने के लिए, अपनी पार्टी को आगे लेकर जाने के लिए, कम से कम आप सब इतना तो मुझे बधाई देंगे इस बात के लिए कि भैया चिराग पासवान में अकेले इतनी हिम्मत रही कि अकेला रणभूमि में उतरा, लड़ा, मजबूती से लड़ा। मैंने घुटने कभी नहीं टेके किसी भी परिस्थिति में, भले घर में परिवार में क्या हो रहा नहीं हो रहा, उसके बावजूद रोज मजबूती से आकर मैंने चुनाव लड़ा। और मुझे खुशी है कि पार्टी का प्रदर्शन भी उसी अनुपात में रहा जो अपेक्षा थी मेरी। हाँ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में संख्या सीटों की जरूर मायने रखती है, शायद वहां पर हम लोगों से थोड़ी सी चूक हुई हो,
पर आप मुझे बता दीजिए ना कि कहाँ पर आप बोलें कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी खत्म हो गई। एक कोई सीट आप बता दीजिए जहाँ पर आप बोले कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी की तो जमानत जब्त हो गई, या पार्टी का प्रदर्शन खत्म हो गया, पार्टी बिहार की राजनीति से एकदम इररेलेवेंट हो गई। कोई एक जगह आप मुझे बता दीजिए। आज की तारीख में अगर पार्टी का प्रदर्शन अगर 6% के आसपास अगर पार्टी ने अकेले लड़कर अगर हासिल किया है, अपने दम पर लड़कर हासिल किया है, मुझे खुशी है ना भाई, मेरे लिए तो ये बड़ी ताकत है। बनिस्बत उसके की जो पार्टी बोलती है कि हमने 15% हासिल किया है पर हमारे साथ 4 और झंडे थे, उससे तो मुझे इस बात की खुशी है ना कि भैया एक झंडा एक संविधान के साथ हमारी पार्टी उतरी। लोक जनशक्ति पार्टी का झंडा बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच, और ये बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच आज भी थी कल भी रहेगी, ये मेरा लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं होगी मैं अपने संघर्ष के रास्ते पर बरकरार रहूंगा। बिल्कुल अंतोगत्वा पुनः वो मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मेरी ये भावना को भूल जाइए कि मैं किसी दल का, राजनीतिक दल का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो तो अलग है, बट सबसे पहले तो मैं बिहारी हूँ ना, और बिहारी होने के नाते मैंने उस वक्त भी कोरोना काल में भी मैंने जितने सवाल उठाए थे, भले वो कोटा के बच्चों को लेकर हो, प्रवासी मजदूरों को लेकर हो, वो मैंने मेरे मुख्यमंत्री से मैंने सवाल उठाए थे। अगले 5 साल भी मेरे सवाल मौजूदा मुख्यमंत्री या जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं प्रदेश के, मेरे सवाल उन मुख्यमंत्रियों से रहेंगे, क्योंकि अंतोगत्वा प्रदेश का नेतृत्व आप कर रहे हैं। बट जो भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा, अगर ये घोषणा हो गई, ये मेरी जानकारी में नहीं है, अगर नीतीश कुमार जी पुनः अगर बनते हैं तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। मैंने हमेशा कहा कि मेरा व्यक्तिगत सम्मान उनके लिए जैसे था वैसे ही बरकरार रहेगा, राजनीतिक मेरा उनसे विरोध कल भी था आज भी है, राजनीतिक मतभेद मेरे उनसे जरूर है। देखिए मैं आज की तारीख में अगर उस पोजीशन में होता कि जहां पर मैं इस बात के निर्णय ले सकता, या मेरे पास अगर उतनी ताकत होती कि मैं अगर इन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता तो मैं जरूर करता। आज की तारीख में हाइपोथेटिकली जब एक अलायंस के पास, और ये बात मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही मैंने कही थी स्पष्ट रूप से कि अगर एक ऐसी परिस्थिति बनती है कि जहां पर भाजपा और जदयू का की मिलकर सरकार बन जाती है तो हम लोग विपक्ष में रहेंगे। तो अगर जब इन लोगों की सरकार बन रही है तो उसमें तो मेरा कोई से है ही नहीं। आपस में सरकार बनाकर ये लोग किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं नहीं बनाना चाहते हैं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड है। आप सब जान रहे थे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, और जिस तरीके से कल नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से कल परिणाम सामने आए हैं, एक बात उन परिणामों ने स्पष्ट कर दी है कि बिहार की जनता ने बहुत ही डिसाइसिव एक क्लियर मैंडेट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। जनता ने इस बात को स्पष्ट तौर से समझा कि बिहार में अगर विकास संभव है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का होना बहुत ज़रूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में शुरू से लेकर चुनाव के अंत अंत तक इसी बात को मैं कहता रहा कि ज़रूरी है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना, ताकि आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से बिहार को हम लोग विकसित देखना चाहते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी की वही सोच बिहार में भी देखने को मिले, मुझे खुशी है। और इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि जो बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा उसके वो हकदार भी थे। और इसीलिए मैंने भी बार बार कहा था, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहे। मुझे खुशी है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, लगभग 25 लाख के करीब मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया, लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया कुछ लग्गू पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा, पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा, और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी, बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, पर पाने के लिए अनंत संभावनाएं थीं।
आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उसकी जमीन तैयार कर ली। हम लोग के बारे में कहा जाता था कि भैया चुनाव लड़ते लोगे, कहाँ उम्मीदवार हैं तुम्हारे पास, कहाँ कहा कि किसी को हराने जीतने से ज़्यादा मेरा लक्ष्य ये था कि बिहार में एक विकास की सोच रखने वाली सरकार बने। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े भाई की भूमिका में है, मेरा विश्वास है कि बिहार आगे बेहतर प्रदर्शन करेगा। जब देश की सुरक्षा की बात हो तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स, आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत के मजबूत भविष्य की है।